हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह चौहान केडीएम क्लासेस की तरफ से आपका फिर स्वागत करता हूँ। और आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है कल्चरल मेजर। ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? ये पुरानी क्लास से रिलेटेड, जिसमें अपन ने पढ़ा हुआ है कि आईपीएम जो होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, उसमें हम किस तरीके से कंट्रोल मेजर कर सकते हैं, कैसे कैसे आईपीएम को कंप्लीट कर सकते हैं। उसका पहला जो मेजर जो पॉइंट है वो है हमारे पास कल्चरल मेजर। क्या बोला कल्चरल मेजर के बारे में? कल्चरल मेजर क्या है, सुनिए। हमने ये बोला था कि कम 10 टाइप्स ऐसे हैं जो 10 टाइप्स को अगर हमने रिकवर किया तो इन जो पेस्ट का अटैक है, जो इंसेक्ट का अटैक है, उसे हम कंट्रोल कर जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि उसमें से पहला जो है कल्चरल, जो एग्रीकल्चर का कल्चर चल रहा है, जो एग्रीकल्चर जिस तरीके से अडेप्ट की गई है, एग्रीकल्चर में जिस तरीके से वर्क करते हैं फार्मर्स, उसके बेस पे मैं बात करता हूं। तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हम किसको? पेस्ट के अटैक को। किसको? इंसेक्ट पेस्ट के अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं। और इंसेक्ट पेस्ट के अटैक को कंट्रोल करना अगर चाहते हो तो उसमें आपको सबसे पहले जो की पॉइंट लेके चलना होगा वो लेके चलना होता है क्या? सिलेक्शन ऑफ साइट। सिलेक्शन ऑफ साइट, आप किस साइट को कवर कर रहे हो, आप किस साइट को चूज कर रहे हो। अब साइट क्या होती है? साइट का मतलब हुआ किस एरिया को आपने कवर किया है। आपने ऐसा एरिया लिया है जो ड्राई एरिया है, या आपने ऐसा एरिया लिया जो फ्लडी एरिया है, या आपने ऐसे एरिया लिया जो या ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है। ये जो एरिया है, आप ये बात तो बिलीव करते ही हैं कि अगर हम जिस क्रॉप को जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं वो अगर उसके एनवायरमेंटल कंडीशन से सूट नहीं करती है तो आपको प्रोडक्शन नहीं देगी। नहीं देगी तो उसमें इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब ससेप्टिबल कंडीशन में आ जाएगी वो। तो ससेप्टिबल कंडीशन में जो आती है, जो क्रॉप किस एंगल से आती है, क्योंकि आपने सिलेक्शन ऑफ साइट जो है उसकी वो सही से प्रॉपर चूज नहीं करी। फॉर एग्जांपल आप इतना बेसिक लेके चलो, आप सब जानते हैं एप्पल की जो क्रॉप है, एप्पल जो अपन ने देखी है, एप्पल खाते हो, इसका जो प्रोडक्शन होता है ये लो टेम्परेचर पे ज्यादा होता है, या आप बोले कहाँ पे टेम्परेट रीजन में ज्यादा होता है। तो अगर उसे आप कहाँ लाके ग्रो कराओगे या ट्रॉपिकल में लाके ग्रो कराओगे तो वो आपको प्रोडक्शन नहीं देगी, उसमें आपको बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट का अटैक दिखेगा। वही रीजन है कि हम बात कर रहे हैं सबसे की पॉइंट आपको सिलेक्शन ऑफ साइट, और साइट में जो क्रॉप ले रहे हो उसका सिलेक्शन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। वो क्या करता है, वो आपको पेस्ट के कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होता है, उस पर आपको पेस्ट अटैक ही नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो पेस्ट ज्यादा ह्यूमिड एरिया में अटैक करता हो तो अगर आप उस क्रॉप को आपने जो सिलेक्शन किया है उस साइट का, वो अगर आपने कंप्लीट ह्यूमिड एरिया में ही सिलेक्शन कर लिया, उस कंप्लीट ह्यूमिड एरिया को कवर कर रहे हो, तो फिर नो डाउट उस पर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक तो आना ही आना है। पर अगर आपने उसी को ले जाके वो ट्रॉपिकल में, अगर उसमें वर्क ट्रॉपिकल में ग्रो किया है, ट्रॉपिकल में कवर कर रहे हो, तो फिर उस पे क्या कर लोगे आप, उस पे पेस्ट का अटैक नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने पहला पॉइंट ये देख लिया कि सिलेक्शन ऑफ साइट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, जैसे कि फ्लडी एरिया जो होता है जिसमें बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ हो, उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा जो जो इंसेक्ट पेस्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे आप बात करके मिथिमना सेपरेटा और स्पोडोप्टेरा लिटुरा, ये जो दो इंसेक्ट होता है ये कॉमन मिलते हैं, कॉमन इंसेक्ट है ये, हर जगह मिलते हैं। पर अगर आपने सिलेक्शन ऑफ साइट कहाँ चूज कर रखी है, अगर फ्लडी एरिया में चूज कर रखी है, तो इनका अटैक सीवियरली हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा, ज्यादा अटैक करते हैं ये। क्यों? इनका वो फेवरेबल कंडीशन में आ जाता है, क्या? एनवायरमेंट। तो आपने क्या देखा कि पहला पॉइंट जो आपको कवर करना चाहिए, पेस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का पहला की पॉइंट आपको लेना चाहिए सिलेक्शन ऑफ साइट। आप जिस साइट को सिलेक्ट कर रहे हो वो साइट आपको किस तरीके की मिलनी चाहिए, ठीक है, वो आपको खुद को चूज करनी होगी। दूसरी कंडीशन, आपको प्लोइंग के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आप डीप प्लोइंग करते हैं किसी भी फील्ड की, तो फील्ड की डीप प्लोइंग करने से उसमें जो इंसेक्ट और पेस्ट के जो एग लार्वा होते हैं, एग होते हैं, लार्वा होते हैं, प्यूपा, जो प्यूपा एक कंडीशन है जो जो हाइबरनेट कंडीशन की तरह होती है, जिससे
वो क्या करता है, इंसेक्ट पेस्ट क्या करता है, या तो एग फॉर्म में अपनी जनरेशन, अपने पॉपुलेशन को क्या कर लेता है, या जनरेशन को क्या करता है, हाइबरनेट कर देता है, एग यानी अंडे देके, और अगर फील्ड में मिट्टी में छोड़ देगा तो फिर वो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब उसमें हैचिंग होगी। यही कंडीशन है प्यूपा, एग या प्यूपा जो इंसेक्ट के होते हैं, या बोलो निमेटोड्स जो होते हैं उनकी भी एक कंडीशन है, या बोलो वीड्स के सीड जो होते हैं उनकी भी एक कंडीशन है कि वो एक फेवरेबल कंडीशन तक अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, अपने आप अपना कवरिंग करके, या आप हाइबरनेट होके, या बोलो कि वो इन फेवरेबल कंडीशन जो आ रही है, नेगेटिव टाइम एनवायरमेंट आ रहा है, उससे लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर, डीप के अंदर यानी फील्ड के अंदर, जो आप जहाँ पे आप एग्रीकल्चर पे प्रैक्टिस करते हो, उस प्रैक्टिस की जो जमीन है उस जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर अंदर रहते हैं। अगर आपने उसमें डीप प्लोइंग करी तो डीप प्लोइंग करने से क्या होगा, ये सब कुछ क्या होगा, ऊपर आ जाएंगे तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहने के कारण उन एग और प्यूपा और निमेटोड्स क्या हो जाएंगे, डस्ट हो जाएंगी। तो सेकंड पॉइंट, आपको प्लोइंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यही रीजन है कि कहीं कहीं फील्ड में ज्यादातर जो फार्मर होते हैं क्या करते हैं कि जैसे ही क्रॉप कंप्लीट होती है, जैसे अभी रबी की क्रॉप कंप्लीट हुई है, तो वो जमीन जो उसकी खाली पड़ी है, उसका फील्ड जो खाली पड़ा हुआ है, उस फील्ड को वो क्या करने वाले हैं, डीप प्लोइंग करके छोड़ देंगे। डीप प्लोइंग करने से क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट पीपल लार्वा जो होगा वो क्या हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है भाई, थर्ड पॉइंट की बात करें अपन, क्या प्लांटिंग मटेरियल, प्लांटिंग मटेरियल क्या होता है, प्लांटिंग मटेरियल भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट होगा। कैसे, अगर एक एग्रीकल्चर फार्म का कोई फार्मर है, एग्रीकल्चर फार्मर जो है वो काम कर रहा है, अगर उसने सीड को क्या किया है, यूज ले रहा है, उस सीड को यूज ले रहा है, वो सीड सर्टिफाइड नहीं है। कैसे, मैं किसी से उधार मांग लेता हूँ कि आप यहाँ से सीड मुझे दे दो, तो आपको ये पता नहीं है उसके फील्ड में किस तरीके की कंडीशन है, कि उसमें कोई इंसेक्ट लगा था, पेस्ट लगा था, तो या फिर उसमें कोई वीड थी, तो वो वीड अपने पास नहीं आ जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको प्लांटिंग मटेरियल जो है वो बिल्कुल सर्टिफाइड एजेंसी से ही लेना चाहिए, या सर्टिफाइड सीड ही लेने चाहिए। आपको सर्टिफाइड सीड लोगे तो आपको उसकी जर्मिनेशन परसेंट अच्छी मिलेगी, आपको उसमें इम्प्योरिटी कम मिलेगी, आपको उसके अंदर प्योरिटी की परसेंट भी ज्यादा मिलेगी, आपको उसका प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, तो उसमें इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी कम होगा, क्योंकि वो सर्टिफाइड हो गए कि इस इंसेक्ट से ये क्या है, रेजिस्टेंट है, समझे। तो हमने क्या कहा, कल्चरल मेजर में सिलेक्शन ऑफ साइट, प्लॉइंग और प्लांटिंग मटेरियल। नेक्स्ट बात करें टाइम ऑफ प्लांटिंग, बहुत ज्यादा की पॉइंट हो जाता है टाइम ऑफ प्लांटिंग। आप जिस टाइम पे क्रॉप को शो कर रहे हो, सोइंग कर रहे हो या प्लांट कर रहे हो, उसका टाइमिंग है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस इसे रखता है कि जो ये एग और प्यूपा और इंसेक्ट निमेटोड है ना, ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, ये हैच करेंगे, ये पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, और पॉपुलेशन जब भी इंक्रीज होती है तो उसे फीड चाहिए, खाना चाहिए, और वो खाना अगर उसे उस प्रॉपर टाइम पे नहीं मिला तो फिर उसकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिक ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्यों, खाएंगे नहीं तो डैमेज होंगे होंगे। पर अगर मान लो आपने उसको उस टाइम पे अच्छा खासा फीड दे रखा है, अच्छी खासी क्रॉप है उस टाइम, जिस टाइम पे वो ग्रो कर रहा है, जैसे मैं आपको अगर बात करूं व्हाइट ग्रब की, सफेद लट की, तो सफेद लट जो है वो क्या करते हैं अपन, वो अपन फील्ड में आपने क्रॉप लगा दी, और क्रॉप अगर सही टाइम पे नहीं लगाई है तो जब वो अटैक आएगा, जब उस व्हाइट ग्रब का जो लार्वा है, जो वो लार्वा एग से हैच होगा, और हैच होते हुए अगर उसे वहां पे अगर बाजरा मिलेगा, तो वो बाजरे को डैमेज करने वाली है, वो ग्राउंड नट को डैमेज करने वाली है, क्योंकि उस प्रॉपर टाइम में आपने उसे ग्रो किया है। अब आप बोलेंगे हम उसको क्या दूसरे सीजन में यूज में ले, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, आपको उसकी कंडीशंस दो तीन रखनी चाहिए। पहले तो आप ये चेक करो कि अगर आपको ये सिलेक्शन ऑफ साइड आप बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि व्हाइट ग्रब का अटैक होता है, व्हाइट ग्रब का अटैक हो रहा है, तो आप व्हाइट ग्रब की कंडीशंस को समझो ना, वो व्हाइट ग्रब जो कंडीशन है, व्हाइट ग्रब कब ग्रो करती है और व्हाइट ग्रब को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो जहां व्हाइट ग्रब है उस जगह, अगर आपको इस बार आपको व्हाइट ग्रब सफेद लटका अगर आपको अटैक दे दिया, तो आप क्या करने वाले हो, उस फील्ड को छोड़ दो, एक साल के लिए उसे छोड़ दो, एक सीजन के लिए छोड़ दो। क्यों, क्योंकि जैसे ही वहां पे दोबारा वही कंडीशन आएगी, अगर आपने उसी फील्ड में ऐसी क्रॉप ससेप्टिबल क्रॉप लगा दी उस व्हाइट ग्रब की, तो एग हैच होके फिर वही सफेद लट आएगी। ठीक है,
और आप क्या करते हैं घुमा फिरा के उसी जगह ज्वार, उसी जगह बाजरा, ऐसे कुछ लगा देते हैं जिससे वो क्रॉप जो है वो क्रॉप तो ग्रो होती है, वो वाइट ग्रब जब उसका सीजन आता है तो वो फिर से अपने आप को डैमेज करने के लिए तैयार होती है। और आपको ये भी पता है कि वो कितना फास्ट ग्रो करती है, तो क्यों ना हम उस टाइमिंग को मैनेज करें। आपने टाइम मैनेज कर दो, एक साल का गैप दे दो उसमें, और गैप दे दोगे तो आपको वाइट ग्रब लगभग 50-60% कंट्रोल हो जाएगी। प्लस आप उसके लिए क्या कर दो, उसके लिए कोई केमिकल यूज में ले लो, आप सोइंग के टाइम पे सीड के साथ जैसे इमीडा जो है उसको आपने यूज में ले लिया, तो इमीडा का अगर सीड ट्रीटमेंट लेके चल रहे हो तो आपको बहुत बहुत टाइम तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपन। तो कंट्रोल करना और एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कंट्रोल करना, इनमें हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ प्लांटिंग की। तो देखो टाइम ऑफ प्लांटिंग जो है और दूसरी बात क्रॉप का ड्यूरेशन जो है वो दोनों ही इफेक्टिव होते हैं पेस्ट के कंट्रोल के लिए, इंसेक्ट के अटैक से बचने के लिए। कैसे, अर्ली सोइंग, जैसे आपने देखा होगा मस्टर्ड में आपको बहुत बार दिखता है, क्या दिखता है मस्टर्ड जो होती है मस्टर्ड में आपको चेपा लगता है, चेपा एफिड्स लगते हैं, और एफिड जब लगता है तो मस्टर्ड को पूरे को साफ कर देता है, साफ ही करना उसका लिक्विड मटेरियल को सक कर लेता है एफिड, और एफिड सक करने को आंखों में जो चेपा चलता है वो चेपे की बात करो तो वो करोड़ों अरबों की संख्या में होते हैं। अगर वो उस फील्ड में लग गए तो फिर वो आपसे कंट्रोल नहीं होंगे, कंट्रोल नहीं होंगे इसका मतलब आप क्या करो, या तो स्पे स्प्रे करने लगोगे या तो आप एक्सपेंस करो ज्यादा वो, या फिर आप उसका टाइमिंग शो करें। देखिए अगर आप अर्ली सोइंग ऑफ मस्टर्ड काम में लेते हैं, अगर मस्टर्ड को आप अर्ली सोइंग करते हैं, अर्ली सोइंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक सीजन पहले सोइंग करेंगे, आप सोइंग तो उसी टाइम पे करेंगे, पर जैसे अगर मान लो अगर आप अक्टूबर के मंथ में उसकी सोइंग करने चाहते हो तो क्यों ना आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही उसकी सोइंग कर दो, सही है। तो आपको उस अर्ली सोइंग के लिए आपको टाइम को थोड़ा सा प्रीपोन कर दिया, प्रीपोन करने से जिस टाइम पे इसका अटैक आएगा उस टाइम से पहले पहले, सपोज करो अगर हमारे मस्टर्ड में फली आ जाती है तो फली आने के बाद में अगर ज्यादा अटैक भी आएगा तो भी उसका कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखेगा। फली में सीड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए तो उसके बाद में हमें मस्टर्ड पे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो अर्ली सोइंग ज्यादा अच्छी है कि जब जिस टाइम पे अटैक आएगा किसका, जिस टाइम पे अटैक होगा पेस्ट का एफिड्स का, उससे पहले पहले हम मस्टर्ड को मेच्योरिटी पे लेके आ जाए। तो एक तो हो गया जैसे मस्टर्ड की बात करें, दूसरा अपन ग्राम चने की बात करते हैं। चने में आपको लट का जो हेलियोजिस होता है, हेलिकोबार्बर मेजेरा का जो अटैक होता है वो, उसे कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं, उसे भी आप चाहे तो अर्ली सोइंग कर सकते हैं। अर्ली सोइंग करने से जब तक उसका अटैक होने वाला होगा तब तक तो हम उसे मैच्योरिटी पे ले आएंगे, ठीक है। या फिर अर्ली सोइंग सॉल्यूशन रहता है, लेट सोइंग भी सॉल्यूशन होता है। जैसे आप ग्राउंडनट की बात करो, ग्राउंडनट में आपको व्हाइट ग्रब या सफेद लट का जो दिखाई इफेक्ट दिखाई देता है उसे आप क्या कर सकते हो, उसे आप लेट सोइंग में चल जाओ, कुल ना 10-15 दिन बाद में चले जाए। हम थोड़ा उल्टा काम करते हैं, उल्टा काम का मतलब हो गया हम थोड़ा जस्ट अपोजिट सोचते हैं कि अगर हम इसी टाइम पे इसको सोइंग करेंगे नहीं करेंगे तो पता नहीं बाद में क्या हो जाएगा। आप अगर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ वर्क करेंगे तो एक फार्मर को कभी भी नेगेटिविटी नहीं होगी अगर वो उस टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करे। अगर लेट सोइंग का कवर कर रहा है तो लेट सोइंग की पूरी प्रोसीजर उसके माइंड में होनी चाहिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो IPM का फोर्थ पॉइंट जो होता है टाइम ऑफ प्लांटिंग, वो आपको अच्छे से यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेट होस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसान करते भी है, फार्मर करते भी है। ऐसा क्या करते हैं जैसे कि कोई अटैक है, ठीक है, जैसे मैं बात करूं जो आपको एग्जाम्पल एड भी किया हूं टोमेटो ऑफ लीफ कर्लिंग है ना, तो टोमेटो के अंदर जो लीफ कर्लिंग होती है, लीफ को जो कर्ल करता है कर देता है उसकी ग्रोथ को स्टंट कर देता है, वो उसे कंट्रोल करने के लिए आप कोई ना कोई केमिकल यूज में ले लीजिए, ठीक है। पहली बात तो यह है कि केमिकल वायरल जो अटैक होता है वो एक शुरुआत की कंट्रोल में कंट्रोल कर दिया तो कर दिया, नहीं वायरस इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है वो आपको उस क्रॉप को पूरे डिस्टर्ब करके छोड़ेगा। या इसको कंट्रोल कैसे, इसका जो अल्टरनेट होस्ट, अल्टरनेट का मतलब है कि अगर मैं एक साल सर्वाइव करना चाहता हूं तो मुझे 5-6 महीने तो मुझे मिल जाते हैं मेरे पास ऑब्लिगेट होस्ट के लिए कि भाई मैं इस पे ग्रो करूंगा, अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करूंगा या बढ़ाऊंगा।
पर उसके बाद में जो रिमेन टाइम है उस टाइम में वो वही वायरस, जैसे टोमेटो कर्ल लीफ कर्लिंग का वायरस जो है वो किस पे अल्टरनेट काम अल्टरनेट होता है, उसके लिए पार्थेनियम ग्रास। अगर पार्थेनियम ग्रास है तो यही वायरस वहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा, पार्थेनियम पे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम जिस साइट को सिलेक्ट किए हुए हैं उस साइट के चारों ओर, उस साइट के चारों ओर क्या कर दो आप, चारों तरफ जितनी भी वीड है उसे क्या कर दो, जला दो, उसे डिस्ट्रॉय कर दो। तो ऐसे करके ये पॉइंट तो अपने पास, पांच पॉइंट तो ये हुए कल्चरल मेजर के, और वो है कल्चरल मेजर में सिक्स पॉइंट कौन सा, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑफ टाइप प्लांट्स। क्या बात है, ये ऑफ टाइप प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, अगर आपने उन ऑफ टाइप प्लांट्स को उसी फील्ड में रखा हुआ है या वो ग्रो कर रहे हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं किसके लिए, पेस्ट के लिए। एग्जाम्पल अगर मान लो आपने पोटेटो की क्रॉप आपने ग्रो की है, पोटेटो हार्वेस्ट कर लिया और उनमें से कुछ एक पोटेटो छोड़ दिए, कुछ आलू आपने क्या कर दिए उसमें ही छोड़ दिए, फील्ड में छोड़ दिए, तो अब जो आप नेक्स्ट टाइम अगर आलू लगाएंगे उसी फील्ड में तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कौन सा, पोटेटो कटवर्म, आपको आपको वो लार्वा मिलेगा जो अगली बार अगर उसमें आलू लगाया आपने तो उसे ही फीड मिल रहा है, तो ये उस अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा देगा और अगली बार फिर इसे क्या करने वाला है, इफेक्ट करने वाला है, आपके प्रोडक्शन को डाउन करने वाला है एग्रीकल्चर में। तो ये एक ऑफ टाइप डिस्ट्रक्शन हो गया, ऑफ टाइप प्लांट्स का डिस्ट्रक्शन हो गया, उसे आपको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर लेना चाहिए या उसे छोड़ना नहीं चाहिए, हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल में बात करूं क्या, जैसे कॉटन है, कॉटन में अगर गंगा की अगर कोई कॉटन की वेरायटी आपने ले रखी है और अगर उसे आपने फील्ड में छोड़ दिया तो क्या होगा, तो उस पे वाइल्ड क्रॉप जो है अच्छे से ग्रो करेगा और अब नेक्स्ट सीजन में जब आप उसमें अगर आप क्या करने वाले हो, अगर फिर से उसमें कोई क्रॉपिंग करने वाले हो तो वाइल्ड क्रॉप का अटैक होना सीरियस सिंपल से परफॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसमें ऑफ टाइप ऑफ प्लांट्स क्या कर रखे हैं, ऑफ टाइप प्लांट्स छोड़े हुए थे। ठीक है, तो आप अगला कंट्रोल मेजर क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं किसके, ऑफ टाइप प्लांट्स के। फिर बात करें थिनिंग, टॉपिंग, प्रूनिंग। देखो ये जो है थिनिंग, आपको थिनिंग करना है या टॉपिंग करना है या प्रूनिंग करना है, ये प्रोसेस को यूज में लेने से क्या होता है, जो इंसेक्ट पेस्ट के जो एग होते हैं वो उस प्लांट की टॉप टॉप जो होता है उसके जो बड होती है उस बड पे होता है, उसके स्टेम के टॉप मेरिस्टेम पे होता है, तो आप क्या करें वहां से उसे थिनिंग कर दे या टॉपिंग कर दे या प्रूनिंग कर दे, काट साट कटाई छटाई जिसको बोलते हो वो कर दो। उससे क्या होता है, उससे आपको उस क्रॉप पे होने वाले पेस्ट अटैक का आपको क्या हो जाता है, कंट्रोल मेजर आपको दिखता है, आप पे उस क्रॉप का अटैक कम दिखाई देगा फिर। तो ये हो गया एक सिंपल सा प्रोसेस जो एक फार्मर करता भी है और नहीं भी करता है। ठीक है, जैसे एक बोरर है, ठीक है, वो बोरर आपने क्या किया, नींबू है, नींबू की प्रूनिंग कर दो आप तो आपको वो बोरर के जो अटैक है वो कम मिलेगा आपको। रीजन आपने उसके क्या कर दिया, उसके जो भी लार्वा थे जो भी एग थे उनको सबको क्या किया, प्रूनिंग से हटा दिया। तो ऐसे बोलते हैं कि उसकी कटाई छटाई करनी चाहिए, इससे अच्छी ग्रोथ भी करेगा, वो चारों तरफ से अच्छी ग्रोथ करेगा ना, जब उसमें से ऑक्सीजन हटा दिया जाएगा तो वो ग्रोथ भी करेगा, फिजियोलॉजी के लिए अच्छा है। तो एंटोमोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या करने कर लेना चाहिए, इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल के लिए आपको थिनिंग, प्रूनिंग और टॉपिंग करनी चाहिए। फिर बात करें अगर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की, फर्टिलाइजर में अगर आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर ज्यादा देते हैं तो आपको उसमें जैसिड का अटैक कम से कम दिखाई देगा, सब जैसिड का अटैक सबसे कम दिखाई देगा। अगर आपने जैसे जैसिड हुआ उसके साथ साथ एलिगोरमा आर्मीजेरा का अटैक भी कम होगा। अगर मान लो आपको लग रहा है लट ज्यादा लगती है तो आप क्या करने वाले हो, उसमें फॉस्फेटिक डीएपी ने देकर आप एसएसपी ज्यादा दे, सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज ज्यादा करेंगे तो आपको कहीं तो भी फॉस्फोरस के कारण उसपे क्या किसका अटैक, उसपे वो हेलिकोबार्मा आर्मीजेरा या जेसिड का अटैक कम दिखाई देगा। फिर बात करूं मैं पोटेशियम, पोटेशियम एक फर्टिलाइजर है, इस फर्टिलाइजर का अगर यूज ज्यादा करते हैं अपन तो क्या होता है, पोटेशियम ज्यादा होने से कभी भी उस क्रॉप में आपको इंसेक्ट का अटैक या डिजीज का अटैक नहीं मिलेगा। ये एक रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करने वाला पोषक तत्व होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण प्रदान करता है वो है पोटेशियम। बात करें अपन वाटर मैनेजमेंट की, वाटर मैनेजमेंट में अपन को फार्मर की तरफ से सुनने को भी मिलता है, जैसे लट का अटैक हो गया तो सब बोलते हैं इसमें पानी दे दो, पानी देने से क्या होगा, लट का अटैक थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, तो ये बात सही है, वाटर मैनेजमेंट भी करना चाहिए। वाइट ग्रा हुआ,
हम सुगर केन जो होता है, सुगर केन में आंट्स का इफेक्ट होता है, चींटियां ज्यादा लगती है, व्हाइट कलर की चींटियां, वो क्या करती है उसकी रेटोनिन जो है क्रॉप है उस क्रॉप में से क्या करती है जड़ों में से सैप को सक करती है, तो उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, फिर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है जड़ों का, तो अपन क्या करते हैं उसमें पानी देना, उसमें वाटर मैनेजमेंट की जरूरत होती है। फिर बात करें क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन बिल्कुल सिंपल है, हर बार क्रॉप को रोटेट करके यूज में लेना चाहिए, जिससे उस पेस्ट का लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप उसको कवर कर सकते हो, इन जो पेस्ट का अटैक होने वाला होता है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्रॉप स्कीम की बात करो, क्रॉप स्कीम क्या होती है, क्रॉप स्कीम जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम यू बोलते हैं कि जो क्रॉप ली है उस क्रॉप में अटैक आएगा। मान लो मैंने ऐसे ऐसे सोच लिया एक फील्ड है, उस फील्ड में क्रॉप का अटैक 100% आएगा, मैं सब कुछ सारे कंट्रोल मेजर लेकर चल रहा हूँ, फिर भी ये सारे कंट्रोल कल्चरल के मेजर जो है वो कंट्रोल करने के बाद में भी अटैक हो रहा है, उसके बाद में भी वो इंसेक्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम एक और ऑप्शन ऑप्शन लेके चलते हैं, क्या क्रॉप की स्कीम लेके चलते हैं, क्या स्कीम लेके चलते हैं कि जो इंसेक्ट पेस्ट है वो क्या करेगा, जब भी ग्रोथ करके आएगा तो वो क्या करेगा, पहले उसका अल्टरनेट होस्ट होगा उससे वो ग्रो करेगा करेगा। तो हमने ऐसे ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हुई है, जैसे फील्ड के चारों ओर ट्रेंच वो कर देना, गड्ढा खोद देना एक एक डेढ़ फीट का, इससे क्या होगा गड्ढा चौड़ाई में एक फीट का आप चारों तरफ गड्ढा खोद दो, उससे क्या होगा जो इंसेक्ट पेस्ट जमीन के थ्रू अंदर अंदर चलते हैं, जैसे लट की बात करें अपन, लट है वाइट ग्रब है, अगर वाइट ग्रब अगर साइड में मेड में से आ रही है या फील्ड के साइड में जो रीड है उसमें से आ रही है या उसके पास जो अल्टरनेट होस्ट था उसमें से आ रही है, तो आप क्या करेंगे उसके चारों ओर एक गड्ढा खोद दो, किससे आप जैसे भी चारों ओर उसमें चारों तरफ क्या करा दो गड्ढा खुदा दो, डिगिंग कर दो, तो उससे क्या होगा अगर वो चलेगा वो जो पेस्ट है वो जो भी लट है व्हाइट ग्रब का लार्वा है वो लार्वा जमीन में चलेगा ना, तो जमीन में वो उस गैप को कवर नहीं कर पाएगा, अगर वो नीचे गया तो नीचे से ऊपर नहीं आ पाएगा, समझ लो। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा ये आइडिया है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी लगा आपको होगा, पर उसके साथ साथ कुछ ऐसी टेक्निक भी है, जैसे मस्टर्ड में आपको एफिड का टैग दिखता है, डायमंड ब्लैक मौत का जिसमें वो तितली उड़ती है उसका इफेक्ट दिखता है नेगेटिव, तो आप पता क्या करें आप उस फील्ड के अंदर, फील्ड में आपने मस्टर्ड लगा दी, मस्टर्ड के चारों तरफ आप क्या करें कैबेज लगा दें, क्या लगा दें पत्ता गोभी लगा दें, ठीक है पत्ता गोभी लगाओगे तो वो जो फील्ड में जो अटैक अंदर जाने वाला है ना वो बात है, उसे ऐसे नहीं होता है, उसे दिखाई नहीं देता कि मैं अगर जाके अंदर जाके और सरसों पे अटैक करूं, नहीं वो सरसों का अटैक नहीं करके कहाँ अटैक करेगा, वो जैसे ही उस फील्ड में एंट्री करेगा तो उसे उसे क्या मिल जाएगा कैबेज मिल जाएगा, तो जो आपको नुकसान मस्टर्ड में होने वाला था वो आपको कहाँ मिल जाएगा कैबेज में हो जाएगा, तो कैबेज में हो जाएगा तो वो अटैक बाहर ही रहेगा, तो आपको शुरुआत में पता चल जाएगा बाहर ही क्या इसमें एफिड का अटैक आ गया है, तो एफिड का अटैक आएगा तो आप उसे कम से कम बाहर कंट्रोल मेजर में तो काम में ले सकते हैं, वहां पे उस पर कोई स्प्रे करके उसे कंट्रोल तो कर सकते हैं। तो एक तो जैसे आपका एग्जाम्पल होता है कैबेज मस्टर्ड का, ऐसे एग्जाम्पल आपको बात करूं मैं किसका, भिंडी का, लेडी फिंगर, ये क्या करती है ट्रैप क्रॉप है, ट्रैप यानी पकड़ के रखती है, ट्रैप कर लेती है बाहर ही कॉटन के अंदर, किसके अंदर कॉटन में जो बोरर और जैसिड का अटैक होते हैं उसमें आप चारों तरफ भिंडी लगा दो, है ना, तो भिंडी लगाने से क्या होगा जो अटैक कॉटन की मेन क्रॉप में आना चाहिए, जो मेजर क्रॉप प्राइमरी क्रॉप में अटैक आना चाहिए, वो आपने क्या कर दिया उस क्रॉपिंग स्कीम के अकॉर्डिंग उसके उसी का एक और होस्ट अल्टरनेट नहीं वही कोलेटरल होस्ट होगा, ये होस्ट नहीं तो वो दूसरा, मतलब एक इंसेक्ट को जो मेजर क्रॉप चाहिए थी उसी के सिमिलर एक और क्रॉप मिल रही है तो उस पर अटैक करेगा, हाँ उस पर अगर उसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर वो अंदर आएगा, पर अंदर आएगा तो कम से कम वो तो होगा ना कि उसकी पॉपुलेशन बाहर ही ज्यादा इफेक्टिव होगी, ज्यादा नुकसान आपको उस के कहाँ पे स्कीम वाली क्रॉप में कोलेटरल होस्ट पे जाके दिखाई दिख जाएगा। वैसे ही बात करें अपन येलो मैरीगोल्ड, जो आपने सफेद हजारा जो सॉरी पीला जो आपने हजारा का पौधा होता है उसके पीले फूल जो होते हैं वैसा हजारा लगा दिया जाए तो आपको अटैक से किसमें राहत मिल सकती है वो मिल सकती है हेलिकोबार्पा आर्मिजेरा में, ये लार्वा है, ये लार्वा अगर आपने इसके चारों पे लगा दिया पीला कलर का, अगर हजारे के पौधे लगा दिए फूल लगा दिए, फूल का मतलब पौधे लगा दिए जिसमें वो हजारा एक कोलेटरल होस्ट की तरह काम करेगा तो वो होस्ट फिर से कंट्रोल कर सकता है आर्मिजेरा को।
ये तो है आपके पास, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये एग्जांपल याद रखने हुई। बात करें मैं क्या रेजिस्टेंस वैरायटी, रेजिस्टेंस वैरायटी भी और एक ऐसा एग्जांपल है जब जब भाई अब मैं वैरायटी ऐसी लूँ कि इससे इंसेक्ट पेस्ट अटैक कम से कम होगा, जैसे बीटी कॉटन है, तो बीटी कॉटन में क्या है, बीटी कॉटन देसी कॉटन अमेरिकन कॉटन जो है उसको यूज में ले रहे हो, तो अमेरिकन कॉटन में क्या हो रहा है उसमें एल्गोर बार भी जरा का कम अटैक हो रहा है, तो आपने क्या किया रेजिस्टेंस वैरायटी ले ली, तो रेजिस्टेंस वैरायटी भी आप यूज में ले सकते हो। तो ये हो गए हमारे पास क्या कल्चरल मेजर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे बेस्ड थे। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो फिजिकल और फिजिकल मेजर जो है फिजिकल केमिकल मेजर है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, इनमें से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ याद रखने हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि फॉस्फोरस किस तरीके किसको कंट्रोल करने के लिए काम में आ रहा है, ठीक है, जैसे आपको बोल दिया गया ऑक टाइप प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, क्रॉप स्कीम में आपको ये जो मैंने एग्जांपल लिखे ये एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं बिल्कुल है, ऐसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ये आपको जरूर याद रखने होंगे। प्लस वही बात आपको फिर से एक बार रिवाइज करनी होगी मुझे कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सबको शेयर करें, वीडियो देखें, उसे समझें, उसके कोई क्यूरीज हो तो आप मेरे से जरूर पूछें। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, मेरे को भी पता है आपको भी पता है, आप उसको यूटिलाइज करें, उस यूटिलाइजेशन से आपको आगे जाके प्रॉफिट होने वाला है, यही चीज आपको रिवाइज करने में बहुत इजी भी पड़ेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट कि आप चैनल को देख ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन ओपन करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आप जो भी नया वीडियो मिलता है आपको उसकी अपडेट आपको बिल्कुल एट ए टाइम मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।